कौशाम्बी में एक गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। मामला मंझनपुर कोतवाली के समदा गांव का है, जहां एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। महिला के पिता ने ससुरालियों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार मंझनपुर कोतवाली के काशीराम कॉलोनी के निवासी सूबेदार खान ने अपनी बेटी की शादी समदा निवासी आमिर खान के साथ की थी। पिता का आरोप है कि शादी के 2 माह बाद ही उसकी बेटी को ससुराल वाले परेशान करने लगे थे और दहेज में 1 लाख रुपए के साथ सोने की चेन की मांग करते थे। जब उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो बेटी को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों का आरोप है कि पति और उसके परिजनों ने उसकी बेटी को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। मामला ये है कि उस लड़की को ये लोग परेशान किए मारे और मारने के बाद उसको भेज गए यहाँ घर, और जब यहाँ भेज गए तो उसकी तबीयत खराब, तो उसको ले गए विकास हॉस्पिटल में दिखाए, अल्ट्रासाउंड हुआ, ग्लूकोज चढ़ा, दवा इलाज हुआ, वो ठीक हो गए। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अब ले जाइए, आराम है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लोग इन लोग लाए अपने घर, हमारी सिस्टर, और फिर वो उसका दामाद, हमारे बहन का दामाद आया अपने यहाँ ससुराल से, फिर ले गया अपने घर। अपने घर ले गया तो फिर वहाँ मारा पीटा, पैसा की डिमांड कर रहा था कि हमको पैसा दो, जुआ खेलता है और दारू भी पीता है। तो कहें कि अब कहाँ पैसा, अभी तो अम्मी हमारा इलाज करी नहीं हुआ, कहाँ से पैसा पाए। तो उसको मारा, उसके बच्चा है पेट में 4 महीने का, जो कि उसने पेट में लात मार दिया, तो उसके कारण उसकी तबीयत फिर ख़राब हो गई। जब ख़राब हो गई तो उसको ला के फिर काशीराम आवास कॉलोनी में हमारे बहन के यहाँ छोड़ के चला गया। तो हमारी बहन ने 112 को फ़ोन किया, फ़ोन आई, पुलिस आई, पुलिस ने फिर 108 नंबर को बुलाया, उसको ले गए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से रिफ़र किए प्रयागराज के लिए। वो लड़का अपना मूरजगंज से एम्बुलेंस को टन मरवा के ला के अपने घर में रखा, उसमें मेरी भांजी का 1 बजे रात के डेट हो गई है। कौन कौन मारने में था? मारने में नहीं, उनका जेठ है, उनकी जेठानी है, उसकी ननंद है और उसका आदमी है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सदर सीओ ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। एक डेड बॉडी मिली है और उनके परिजन परिवारजनों पर प्रताड़ना का आरोप लगाए हैं, और उसके आधार पर तत्काल पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई जो है उसे व्यवहार में लाई जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच के बाद दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब इस देश से दहेज का दंश खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।